बागली न्यायालय परिसर में बागली में शनिवार के दिन नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव, संगीता पटेल, सुनैना श्रीवास्तव, विवेक सिंह न्यायाधीश उपस्थित रहे। न्यायाधीशों की उपस्थित में लंबे समय से दूर रह रहे परिवार एक हुए और नेशनल लोक अदालत में से एक साथ अपने घर गए। न्यायाधीश राजकुमार यादव ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से सिविल, आपराधिक व पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा जैसे मामलों का निराकरण कर सुलह समझौते से प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। इसमें लोगों को फायदा मिला है। देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के निर्देशन में आज तहसील विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य रहता है कि कम से कम विवादों के जो मामले हैं उनका निराकरण भाईचारे से हो, आपसी सामंजस्य से हो, पक्षकारों की सहमति से हो। इसमें न्यायालय की कोई भूमिका नहीं यही होती है। इसमें मुख्य भूमिका होती है अधिवक्तागण की और खंडपीठ के सदस्यों की। उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो भी आज विवाद पैदा हुआ है इस विवाद का निराकरण आपसी अपनी अपनी सहमति से हो। इसका मुख्य फायदा ये होता है कि पक्षकार एक लंबी लड़ाई से बचते हैं। इस लोक अदालत में जो फैसले होते हैं उसकी कोई अपील नहीं होती है, हमेशा हमेशा के लिए केस रफा दफा हो जाते हैं और उनमें जो पहले लिटिगेशन चालू होने के पहले जो उनमें भाईचारा था वो पुनः कायम हो जाता है। इसमें ना कोई हारता है ना जीतता है, दोनों पक्षों की जीत होती है। सर, आज यहाँ कितने परिवारों को मिलाया गया है? आज यहाँ लगभग 15 परिवार की जो है जो बिछड़ गए थे, जिनके आपस में अलग अलग रहने से मुकदमे चल रहे थे, वो लगभग 15 केसों का निराकरण हो चुका है और भी अभी संभावना है। लोक अदालत का संचालन यहाँ पर आयोजन किया गया है, वो लगातार किया जाता है, पहले भी किया गया है, इसका क्या फायदा मिल पा रहा है जनता को? इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आज वास्तव में पारिवारिक न्यायालय और कुटुंब न्यायालय का काम हुआ है। 15 से अधिक जो दंपत्ति अलग अलग रह रहे थे, जुदा रह रहे थे, तो वो अपने बच्चों के खातिर, उज्जवल भविष्य के खातिर एक हुए हैं, कई उज्जवल के खातिर एक हुए हैं, विकास के खातिर एक हुए हैं और मुस्कान के खातिर एक हुए हैं। तो दंपत्तियों के बीच में जो दंपत्य अधिकारों की स्थापना हुई, कई ऐसे दंपत्ति थे कि जो तलाक के लिए आए थे और उनमें विवाह विच्छेद के लिए आए थे, छोट छुट्टी के लिए आए थे, पर वापस प्रयासों के माध्यम से, हमारे न्यायाधीशगण के प्रयासों के माध्यम से और अभिभाषकगण के प्रयासों से उनमें आपस में सामंजस्य हुआ और सजनी साजन के घर गई, पिया के घर गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि लोक अदालत की रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।